वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है टेक्नोलॉजी, और जानते हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया से अहमद कौन सी खबर हमसे शेयर करने जा रहे हैं। हम सब मोबाइल फ़ोन का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, खासकर जो यंगस्टर्स मतलब आपके कॉलेज गोइंग लोग कह लें, मुख्तलिफ एप्लीकेशंस यूज़ की जाती हैं। जो वर्कस्टेशंस पे लोग बैठे हैं तो उनके जो यूजेज है वो कुछ हद तक महदूद हो जाता है चीज़ों पे, जैसे कि आपके मतलब डाटा ट्रांसफ़र के लिए या यूज़ कर रहे होते हो अपना व्हाट्सएप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट रहने के लिए। लेकिन जो लोग अपनी स्कूल गोइंग हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हैं, उनका इस्तेमाल का लेवल ज़रा और होता है। बिल्कुल। और ये इंकशाफ किया गया है कि मोबाइल सार्फिन का साइबर सिक्योरिटी से ला इल्म होने का इंकशाफ सामने आया है। हम सभी लोग अपने मोबाइल फ़ोन की सिक्योरिटी को लेके कॉन्शियस तो होते हैं, लेकिन उस हद तक नहीं, फिर भी हैकर्स आपके मोबाइल फ़ोन पर एक्सेस हासिल कर लेते हैं। मतलब वो आपसे ज़्यादा शार्प लोग बैठे हुए हैं और आपको अपनी साइबर सिक्योरिटी का इल्म नहीं होता। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं कि समटाइम्स कुछ एड्स चल रहे होते हैं, हम क्लिक करते हैं जिसके ऊपर कोई ना कोई नई एप्लीकेशन खुल जाती है, उसको इंस्टॉल करने का कहा जाता है, तो आप अपनी पूरी एक्सेस उनको दे देते हो अपने डेटा की। यहाँ तक कि समटाइम्स आप अपनी ईमेल आईडी पुट कर देते हो, लेकिन जब पासवर्ड कर देते हो, जब आपने ईमेल आईडी दे दी, इट मीन्स आपने पूरा सेल फोन अगले बंदे को हैंड ओवर कर दिया। क्योंकि समझा यही जाता है कि ये एक सिर्फ एक एप्लीकेशन है, लेकिन ये नहीं लोगों को इल्म होता कि इस एप्लीकेशन को चलाने के लिए पीछे कोई हज़ारों लोगों की टीम बैठी हुई है, जो मुख्तलिफ सर्वर्स देख रही है, जो मुख्तलिफ सिस्टम्स पे बैठी हुई है, जो आपकी सिक्योरिटी को कुछ हद तक तो वो लोग जो आपकी ऑथेंटिक एप्लीकेशंस हैं उनका चेक एंड बैलेंस होता है। लेकिन जो बिला वजह की रोज़ कुछ कैम आपने ऐड कर लिए, कुछ चीज़ें ऐड कर ली, वो आपके लिए साइबर सिक्योरिटी के खदशात को बढ़ा देता है। कंप्यूटर का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर तैयार करने वाली कंपनी मैककैफे ने मोबाइल फोन्स पर हैकर्स के हमलों की बुनियादी वजह सार्फिन को साइबर सिक्योरिटी की आगाही न होने की वजह करार दिया है। मैककैफे की जानिब से हाल ही में 2022 में कंज्यूमर्स माइंडसेट सर्वे मोबाइल के नाम से रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें बताया गया कि बेशतर मोबाइल सार्फिन साइबर सिक्योरिटी के हवाले से लाइल्म हैं। कंपनी की जानिब से ये रिपोर्ट बार्सिलोना में होने वाले मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस इवेंट में पेश की गई, जिसमें जोर दिया गया था कि डेस्कटॉप लैपटॉप की हिफाजत के साथ मोबाइल फोन्स की साइबर सिक्योरिटी के हवाले से सार्फिन को आगाही फराहम करना ज़रूरी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 59% 18 साल से कम उम्र बच्चे मोबाइल फोन्स को कंप्यूटर से ज़्यादा महफूज समझते हैं, जबकि 49% वालदेन का भी मोबाइल सिक्योरिटी पर बहुत ज़्यादा एतमाद है। ये एक रेशो है जो आपके साथ हमने शेयर की है। मैककैफे के मुताबिक 56% वालदैन जबकि 41% बच्चे अपने मोबाइल में पासवर्ड लगाकर उसे इंतहाई महफूज समझ लेते हैं। हम ये समझते हैं कि जी हमने इंस्टाग्राम पे पासवर्ड लगाया है, और एप्लीकेशंस पे पासवर्ड लगा रखा है, उसके बाद हमने ओवरऑल अपने फ़ोन पे पासवर्ड लगा रखा है, उसके बाद आपका थंब इम्प्रेशन लगा हुआ है, आपका फेस रिकग्नाइजेशन लगी हुई है, तो इट मीन्स कि आपके फ़ोन तक कोई एक्सेस हासिल नहीं कर सकता। लेकिन ये गलत होता है, हमने बैरूनी तौर पर तो उसको सिक्योर किया होता है, लेकिन अंदरूनी तौर पर जब हम एप्लीकेशंस के एक्सेस के वक्त अपने मोबाइल नंबर और डायरेक्ट आप उनको फ़ोन गैलरी को उनके कॉन्टेक्ट्स में या उनके ईमेल तक रसाई देते हो, इट मीन्स वहीं पर आपका जो फ़ोन की सिक्योरिटी थी वो सारी ब्रेक हो गई। आपने अपना फ़ोन अनलॉक करके किसी थर्ड पर्सन को जिसको आप जानते तक नहीं उसके हाथ में सौंप दिए हैं कि ये ले भाई, अब आपकी जो मर्जी आप हमारे डेटा के साथ कर सकते हैं। नॉर्मली हम सोचते हैं हम में से लोग के ये डिफरेंट नंबर से हमें मैसेजेस कहाँ से आ रहे हैं, प्रमोशनल्स ब्रांड्स की हद तक तो समझ आती है कि वो लोग ऐड करते हैं नंबर्स और आपको उनकी कोई ऑफर आती है तो वो बताते हैं, लेकिन कुछ ऐसे रैंडम टेक्स्ट आ रहे होते हैं लाइक ये एसी सर्विस वालों के ये ये कहाँ से एक्सेस ली जाती है। तो इसी तरह से ये आपके सेलफोन नंबर जो हैं वो आगे बाकायदा तौर पर सेल आउट किए जाते हैं, मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो सेल आउट करती हैं जहाँ से ब्रांड आपको अप्रोच करता है। सर्वे के हालिया नतायज को माहरीन ने इंतहाई खतरनाक करार देते हुए कहा कि इससे नौजवान नस्ल को बहुत ज्यादा ऑनलाइन खतरात का सामना है। मुख्तलिफ लोगों की पिक्चर्स वीडियोस लीक होती हैं इस तरह की, तो इसमें भी ये चीज़ काफ़ी हद तक है कि आपकी प्राइवेसी को मद्देनजर रखते हुए सिर्फ ऑथेंटिक एप्लीकेशंस जो हैं जिनके पीछे पूरी टीम बैठी है, जिनको आप कल क्लेम कर सकते हो, जिनको आप ड्रैग कर सकते हो कोर्ट में, आप उनको ही इंस्टॉल करें, ना कि आने वाली हर एप्लीकेशन को आप एक्सेस देते जाएं कि आपने कोई कैम इंस्टॉल किया है, कुछ आपने कोई डाउनलोडर इंस्टॉल किया है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको तमाम एक्सेस दें।
बिल्कुल जी, आपको टेक्नोलॉजी की दुनिया से अगली खबर से वाकिफ करवाते हैं। मरीख पर एक ऐसा पौधा देखा गया है जिसको आप लोग भी देखकर हैरान रह जाएंगे और परेशान हो जाएंगे। बज़ाहिर अगर आप उसकी पिक्चर देखें तो आप सोचेंगे कि मुख्तलिफ पत्थरों की तरह का या मिट्टी की तरह कुछ पड़ा हुआ है, वहाँ मिट्टी के जैसा कुछ पड़ा हुआ है। अगर हम विजुअल्स की तरफ जंप करें तो हमारे व्यूवर्स देख पाएंगे कि वो किस नौइयत का पौधा है। ये आप लोग देख सकते हैं कि हम अगर मतलब आम तौर पर अगर कोई देखे तो वो सोचेगा कि कोई मिट्टी की कोई चीज है, कोई चीज है, ये कोई इस तरह की चीज पड़ी हुई है। आप सबको बताएं कि ये एक पौधा है और इसके बारे में मजीद माहिरीन ने क्या सोचा है वो आप सबको बताते हैं, शेयर करते हैं। इस तस्वीर में एक छोटा सा पौधा दिखाई दे रहा है जो बज़ाहिर मिट्टी से बना है, लेकिन ये वाकई में पौधा है। इस बारे में डिटेल में बात करते हैं। चंद रोज़ कबल जारी की गई ये तस्वीर जो नासा की तरफ से जारी की गई है, इसमें जब लोगों ने पौधा देखा तो हैरान रह गए कि मरीख पर कोई इस किस्म का पौधा भी मौजूद है। और अगर ये पौधा है तो हमने तो हमेशा पौधे ग्रीन और हरियाली की शक्ल में देखे हैं, ये मिट्टी पर मतलब मिट्टी से बना हुआ के कलर का पौधा है। तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि नासा ने सबसे पहले तो इस बारे में बात करते हैं कि नासा ने ये तस्वीर हासिल कैसे की। जी हाँ जी, एक डिवाइस थी जिसे हम डिवाइस भी कह सकते हैं और एक रोर एक रोबोट की तरह है जिसे नासा की तरफ से खला में छोड़ा गया और ये खुदकार गाड़ी है और ये 2012 में छोड़ी गई मरीख पर और तब से आज तक ये मरीख के मुख्तलिफ मकामात की सैर करते हुए वहाँ की हज़ारों तस्वीरें खींचकर ज़मीन पर भेज चुकी है। ये ताज़ा तरीन तस्वीर जुमा के दिन 25 फरवरी 2022 के रोज़ भेजी गई थी मरीख की तरफ, मरीख के मतलब कैप्चर की मरीख पर और ज़मीन पर भेजी गई। और ये जो हमने आपको गाड़ी बताई खुदकार गाड़ी जो मरीख पूरे मरीख की सैर करती है 2012 से अब तक और वहाँ पर मौजूद हर चीज़ की तस्वीर खींचकर नीचे ज़मीन पर भेजती है जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मरीख पर क्या कोई मखलूक मौजूद है या क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं वहाँ रहने का ज़िंदगी गुजारने का क्या मामला बन सकते हैं। अच्छा, एक ही मकाम से ये पिक्चर नहीं ली गई, डिफरेंट डायरेक्शन से पिक्चर ली गई, कैप्चर किया गया कि कैसे विजुअल्स हैं इसके। ऐसा ही है बिल्कुल, और इन डिफरेंट पिक्चर्स को मतलब बेशुमार पिक्चर्स को डिफरेंट डायरेक्शन से जोड़कर बिल्कुल एक पजल की तरह और फिर एक पूरी मुकम्मल तस्वीर तैयार की गई। जैसे अगर आप मोज़ेक पर की बात करते हैं, मुख्तलिफ पजल्स आप जोड़ जोड़ कर, मतलब ये एक तस्वीर नहीं है, डिफरेंट डायरेक्शन से उस खुदकार गाड़ी ने ये तस्वीर खींची और उन डिफरेंट डायरेक्शन की तस्वीरों को एक तस्वीर बनाकर मुख्तलिफ तस्वीरें जोड़ कर ये एक मजमुआ तैयार किया गया जिसमें देखा जा रहा है कि एक पौधा मौजूद है। इस पौधे के बारे में माहरीन ने खबरदार किया है कि इस तस्वीर को मरीख पर ज़िंदगी का सबूत हरगिज़ ना समझा जाए बल्कि वहाँ जारी मुख्तलिफ कुदरती अवामल के नतीजे में जिनका ज़िंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। मरीख की मिट्टी और छोटे छोटे पत्थरों ने आपस में मिलकर ऐसी शक्ल इख्तियार कर ली है जो पौधा लग रहा है, बज़ाहिर पौधा लग रहा है लेकिन ये पौधा है नहीं। आप लोगों को वाज़ह तौर पर बताते हैं कि मिट्टी और कुछ कंकरों ने इकट्ठे होकर एक ऐसी शक्ल इख्तियार कर ली है जो लग रहा है कि कैक्टस टाइप या कोई पौधा है या कोई और नस्ल है, लेकिन ये पौधा हरगिज़ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मिट्टी और पत्थरों का बना एक मजमुआ है, एक स्ट्रक्चर है जो बज़ाहिर हमें पौधा लग रहा है। तो वैसे बहुत ज़बरदस्त काम है कि तब से लेकर अब तक मरीख की इतनी तस्वीरें खींची जा रही हैं और यही वजह है कि नासा आए दिन कोई नए इंकशाफ करती है कि एक वो लोग इस रिसर्च के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं कि ज़मीन के अलावा और कौन से ऐसे सियारे हैं जहाँ ज़िंदगी गुजारना मुमकिन बनाया जा सकता है। तो ये थी हमारी आज की टेक्नोलॉजी की दुनिया की कुछ खबरें जो हमने आपसे शेयर की, उम्मीद करते हैं आपने पसंद की होंगी। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे ब्रेक की तरफ, हमारे साथ रहें।